सर, बाहर कोई नकाबपोश खातून आपसे मिलने आई हैं। उससे मिलना है क्यों? सर पता नहीं, वो अपना नाम भी नहीं बता रही। मैंने उनसे कहा है कि आप नहीं मिल सकते, लेकिन वो बहुत इसरार कर रही हैं। भेज दो उन्हें अंदर। ओके सर। आपसे कुछ बात करनी थी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। आप? जी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे आके बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आप नकाब पहन कर क्यों आई? मैं ये नहीं चाहती थी कि आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर मीडिया वाले मुझे यहाँ आते हुए देखें और फिर से कोई नया स्कैंडल बन जाए। पहले ही आपकी काफी बदनामी हो चुकी है। चलो, कम से कम आपने कबूल तो किया। मैं उस दिन की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे मुझे आपको समझने में गलती हो गई। मैं आपको भी दूसरों की तरह समझी, जो औरत को सिर्फ बुरी नज़र से देखते हैं। और एक और बात, उस वीडियो से या वीडियो बनाने वाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उससे मुझे भी उतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है जितना कि आपको या आपकी फैमिली को। बस मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उसमें मेरा चेहरा वाजे नहीं हुआ। यकीन मानिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। जो कुछ भी हुआ, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। I'm sorry. कितनी आसानी से तुम एक लफ्ज कहकर अपने जमीर का बोझ हल्का करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस एक लफ्ज को कह देने से मेरी खोई हुई इज्जत और वकार मुझे वापस मिल जाएगा? मैं वाकई शर्मिंदा हूं जो कुछ हुआ उससे। मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। आज आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करने आई हूं कि मीडिया में या किसी भी रिपोर्ट में मेरा नाम मत लीजिएगा। मुझे प्लीज इस सारे मामले से दूर रखिए। मैं एक इज्जतदार घर से ताल्लुक रखती हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।